आप देख सकते हैं कि ये रोड अभी शुरू होने से पहले ही 15 से 20 दिनों के अंदर क्रैक हो गया है, जगह जगह से टूटने लगा है रोड। ये जो रोड देख रहे हैं ये 1,34,00,000 रुपए की लागत से बनने वाला रोड है। इस रोड में जो हिसाब से BOQ है और वर्क ऑर्डर है उसमें साफ लिखा गया है कि 4 इंच की PCC होंगी, कच्चा माल 4 इंच का रहेगा और टॉप लेयर जो है वो 6 इंच की रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है तो 1.5 से 2 इंच की PCC हो रही है और 4 इंच का चैनल डालकर 4 इंच का टॉप लेयर हो रहा है। जब हमने ये चीज देखी तो उसे हमने मांगा कि आप एस्टिमेट बताइए और टेंडर BOQ वगैरह बताइए। BOQ होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज। जब हमने BOQ देखा तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन थी। जब यहाँ के नागरिकों ने इस खराब काम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, तब उसके बाद यहाँ पर जो ठेकेदार और उनसे मिले हुए लोग सलाई डालने का काम शुरू किया। जब सलाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद भी आप देख सकते हो कि सलाई 2-2 फुट दूर पर डाली जा रही है, जो कि रोड ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, एक बारिश में रोड पूरा खत्म हो जाएगा। और उसकी वजह से लोग गिरेंगे पड़ेंगे, अगर नाली वगैरह में गिरे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उसकी वजह से होने वाली तकलीफ और ट्रैफिक जो जब इस्तेमाल करेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी तो ये कंडीशन है, इसकी खराबी है कि आने जाने वालों को मैं यही रहता हूँ, बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ है और यहाँ पर मतलब गंदगी बहुत हो रही है जब से ये रोड का काम चालू हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। जो कि किसी भी तरह से सस्टेनेबल नहीं होगा, ना ही ड्यूरेबल होगा। तो ये मिसमैनेजमेंट क्यों है? और कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से कोई लाइन आउट नहीं दी गई थी, उनका भी कहना हुआ। जब उनसे हमने सवाल जवाब किया तो उन्होंने ये कहा कि ये काम हमारी परमिशन के बिना शुरू हुआ है और हम इसके लिए बार बार लोकल अथॉरिटीज को इसका निवेदन दिए हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है और किसी भी पॉलिटिशियन कॉर्पोरेटर इनकी तरफ से भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है। और महाराष्ट्र सरकार से अपील है कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी हो और इंक्वायरी में जो भी दोषी पाए जाए, चाहे वो कॉरपोरेशन के कमिश्नर हो, कॉरपोरेशन के अधिकारी हो, कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि जनता के और शासन के पैसे का दुरुपयोग ना हो। M10 को बंद करने दीजिए, M10 को देश को बंद करा, उनको एक दो दिन में लिखित उनको राइटिंग में उनके जो क्वेश्चनिंग किए ना और वो जो कार्रवाई हुई ना उसके ऊपर इन्होंने जो आगे खेला है उसके ऊपर उनको राइटिंग में पत्र देने वाले। कब देने वाले? एक दो दिन में उन मिल जाएंगे उनको।